तो लास्ट वीडियो में अपन देखे थे जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ ए लाइन, कब जब जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ट्वाइस एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस इक्वल टू जीरो, ये जनरल इक्वेशन, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, या ये फार्मूला ए बी सी ट्वाइस एच जी एफ माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो आता है, तो वो वैल्यू होती विल बी द रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन पेयर ऑफ ए लाइन करके। उस लाइन का एक्यूट एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, टैन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए टू टाइम द अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी ऑफ डिनोमेटर में ए बी माइनस ए स्क्वायर ए बी माइनस ए स्क्वायर एच एफ माइनस बी जी जी एच माइनस द ए एफ करके। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रिक बताया था इसको कैसे रिमेंबर करना करके, ठीक है। तो इसके बेस पर आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, मैं इसको राउंड कर रहा हूँ, सेपरेट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। स्टार्टिंग में भी अपन सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट किए थे, यहाँ पर भी ये सेपरेट इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन को हम देखो एक्स माइनस थ्री स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री इंटू वाई माइनस फोर माइनस टू टाइम वाई माइनस फोर द होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर इक्वेशन का फॉर्म नहीं दिख रहा है कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी होमोजीनियस, तो उसके फॉर्म में ये लाइन नहीं है। तो यहाँ पर ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला फिर वो जनरल आएगा तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, और वहाँ से भी सेपरेट इक्वेशन निकालने में डाउटफुल रहेगा। देखो इक्वेशन को थोड़ा बराबर देखते हैं प्रॉब्लम को, तो अपने को क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो स्क्वेरिंग है एक्स माइनस थ्री स्क्वायर और यहाँ पर जो है वाई माइनस फोर होल स्क्वायर, स्क्वेरिंग पार्ट दिख रहा हो वो दोनों का मिडल में प्रोडक्ट है एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फोर, फिर वहाँ पर कोएफिशिएंट कितना भी रह सकता है थ्री फोर फाइव वन वगैरह कुछ भी, फिलहाल वहां पर कितना है वन है। तो ये जो पार्ट सेम है ना एक्स माइनस थ्री और वाई माइनस फोर, तो उसको अपन डिसाइड करते हैं कोई एक वेरिएबल लेते हैं। तो लेट एक्स स्मॉल में ले रहा हूँ एक्स माइनस थ्री, ये जो वैल्यू है मैं इसको कैपिटल एक्स मान लेता हूँ, एंड ये जो वैल्यू है सेकंड द वाई माइनस फोर इसको मैं कैपिटल वाई मान लेता हूँ। अब इक्वेशन अपने को कैपिटल में आ जाएगा, फिलहाल इक्वेशन अपने को सेपरेट इक्वेशन लाइन उसी फॉर्म में सॉल्व करना है स्मॉल मैच। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा अपना, एक्स माइनस थ्री को डिसाइड के अपन ने कैपिटल एक्स इट द स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री को डिसाइड के फिर से कैपिटल एक्स, ये हो गया आपका कैपिटल वाई माइनस ये टू और ये हो गया कैपिटल वाई होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। आगे उस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इसको स्प्लाइट कर सकते हैं, इस टाइप में स्प्लाइट करने में डाउट होते रहे इसलिए इस टाइप को थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट कितना होना वन माइनस टू और एडिशन कितना वन होना, तो मिडल टर्म को स्प्लाइट करो एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा प्लस टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई रहेगा माइनस टू टाइम द वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो करके, दोनों में सेम है कैपिटल एक्स को बाहर निकालो तो कितना बचेगा एक्स प्लस और यहाँ पर ट्वाइस वाई और से कितना आएगा माइनस और ये वाई बाहर आएगा कितना बचेगा एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। हाँ पहले जैसे सॉल्व किए थे उसी टाइप से सॉल्व करना है, बस ये पार्ट अलग है तो इसको कैपिटल एक्स और इसको कैपिटल वाई डिसाइड करना है, कोई भी लेटर ले सकते हैं ए बी करके, लास्ट में वैल्यू तो रिटर्न करना है। दोनों में सेम क्या है एक्स प्लस ट्वाइस वाई तो कितना बचेगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस ट्वाइस वाई इक्वल टू जीरो और सेकंड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई इक्वल टू द जीरो। लेकिन ये सेपरेट इक्वेशन नहीं हुआ, कैपिटल एक्स और वाई सॉल्व करने के लिए लिए थे अपन ने, तो अब कैपिटल एक्स और वाई की वैल्यू फिर से ये मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो अपना इक्वेशन क्या बनेगा देखो एक्स प्लस ट्वाइस वाई और एक्स स्क्वायर कितना है एक्स माइनस थ्री करके स्मॉल में हो जाएगा एक्स माइनस थ्री प्लस टू टाइम द वाई, तो वाई की वैल्यू कितना है वाई माइनस फोर करके इक्वल टू जीरो, ये पहला इक्वेशन। दूसरा एक्स माइनस वाई तो फिर से एक्स की वैल्यू कितना एक्स स्मॉल एक्स माइनस थ्री माइनस वाई की वैल्यू कितना है फिर से वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। मैं एक एक इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, पहले को सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉन्स्टेंट या कोई भी नंबर में इसको लाना है, तो ये जाएगा एक्स माइनस थ्री टू को मल्टीपल ट्वाइस वाई माइनस टू इंटू फोर एट इक्वल टू जीरो, तो एक्स वाई का टर्म ट्वाइस वाई, अब कॉन्स्टेंट देखो माइनस थ्री माइनस एट माइनस इलेवन इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट लाइन हो गया।
और इनमें से भी सिंप्लीफाई करेंगे तो बस ये माइनस को मल्टीपल करना पड़ेगा, x माइनस थ्री माइनस वाई माइनस माइनस प्लस फोर इक्वल टू जीरो, सो द x माइनस वाई वाई का टर्म माइनस थ्री प्लस फोर कितना रहेगा प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये हो गया आपके सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन करके, ठीक है। और अपने को सेपरेट इक्वेशन निकालना था, पहले भी निकाल लेते हैं, जब इस फॉर्मेट में रहेगा तो लाइन नॉट पासिंग द ओरिजन, इसलिए देखो यहाँ पर कांस्टेंट आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन में, तो नॉट पासिंग द ओरिजन उस फॉर्म में रहेगा तो डिसाइड कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते इसका सेकंड क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेपरेट इक्वेशन निकालना है, बस इक्वेशन चेंज हो गया, टेन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन वाई माइनस टू माइनस थ्री वाई माइनस टू होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन और ये वाई माइनस टू दोनों का मल्टीपल है इसलिए इसको डिसाइड करना पड़ेगा, तो लेट स्मॉल एक्स प्लस वन की वैल्यू कैपिटल एक्स लेते हैं एंड लास्ट में वाई माइनस टू ये वैल्यू डिसाइड हो जाएगा कैपिटल वाई करके, तो अपना इक्वेशन क्या बनेगा, टेन ये हो जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया कैपिटल एक्स ये हो गया कैपिटल वाई एंड एक्स वाई हो गया माइनस थ्री इंटू और ये कैपिटल वाई होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब मिडिल टर्म को सप्लाई करना, 10 इंटू माइनस थ्री माइनस थर्टीन और एडिशन होना 1 तो 6 इंटू द 5 बस साइन को अरेंज करना है, देखो तो एडिशन प्लस में होना तो जो बड़ा नंबर है वो प्लस में रहेगा और छोटा पार्ट वो माइनस में रहेगा, तो 6 और माइनस 5 रहेगा, ये बीच का टर्म इसको सप्लाई करो, 10x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 5xy 6 5 पार्ट बोला था माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करना है, दोनों में सेम में कितना 2 10 और 6 में 2 सेम रहेगा और x तो कितना बचेगा यहाँ पर 5x प्लस 3y बचेगा, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा माइनस और ये y तो कितना रहेगा यहाँ पर 5x प्लस द 3y इक्वल टू जीरो, ठीक है। ब्रैकेट सेम आ गया उसको बाहर निकाल लेता हूँ, प्लस द 3y तो कितना बचेगा 2x माइनस y इक्वल टू जीरो, दोनों का प्रोडक्ट जीरो एटलीस्ट वन ब्रैकेट इक्वल टू जीरो, तो 5x प्लस 3y इक्वल टू जीरो और 2x माइनस y इक्वल टू जीरो करके, ये हो गया लाइन, ठीक है। बट जो अपने को सेपरेट निकालना है वो सेपरेट लाइन होगा, अब ये जो है कैपिटल x और कैपिटल y की वैल्यू, यहाँ पर भी कैपिटल x और कैपिटल y की वैल्यू यहाँ से रिटर्न कर लेना, तो मैं फर्स्ट में ले रहा हूँ 5 x की वैल्यू कितना था x प्लस द 1 प्लस 3 इन टू द और y की वैल्यू कितना y माइनस 2 इक्वल टू कितना रहेगा 0 और सेकंड में भी देखो 2 इन टू x की वैल्यू कितना x प्लस 1 माइनस y की वैल्यू कितना y माइनस 2 इक्वल टू द 0 करके, ठीक है। एक एक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 को मल्टीपल 5x प्लस 1 इंटू 5 5 प्लस 3 इंटू द y 3y और प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 इक्वल टू 0, एक्स वाई कॉन्स्टेंट के फॉर्म में लिखना 5x y का टर्म 3y प्लस 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0, फर्स्ट लाइन हो गया। सेकंड लाइन इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ट्वाइस एक्स प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस से मल्टीपल माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0, सो द इक्वेशन रहेगा ट्वाइस एक्स ये माइनस वाई प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया आपके सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन करके, ठीक है हो जाएगा। तो इसके रिलेशन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैं जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ उसका आंसर मैंने लास्ट में दिया वही से देख कर आपको बता रहा हूँ, कभी कभी वो आंसर मिस हो सकता है, थोड़ा बराबर ध्यान में रखना, लेकिन आप कैलकुलेशन बराबर रहो और ये जो आंसर लिख कर दे रहा हूँ ये बराबर है करेक्ट आंसर है, ठीक है ओके। तो आपका होमवर्क है x माइनस टू होल स्क्वायर माइनस थ्री टाइम x माइनस टू वाई प्लस वन इंटू, हाँ देखो किताब में यहाँ पर मिस है, यहाँ पर टू नहीं है, मैंने यहाँ पर टू लिखा, टू लिखते ही तो क्वेश्चन सॉल्व होता है और y प्लस वन होल स्क्वायर, तो इसके दो सेपरेट इक्वेशन आपके लाइन आ जाएगा x माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो और सेकंड लाइन आएगा x माइनस ट्वाइस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक्जैक्टली आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो रहा है, ये जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं यानी आगे से अपन जितने भी पढ़ेंगे इसके रिलेशन में बोर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं, चलो क्वेश्चन देखते हैं, शो दैट द इक्वेशन ये कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ है नॉट पासिंग द ओरिजन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ ए लाइन, ठीक है।
यानी ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ ए लाइन रिप्रेजेंट करता है अपने को शो करना है। तो लास्ट वीडियो में जो अपन पढ़े थे टॉपिक वो देख रहे हैं अपन। देखो ये जो जनरल इक्वेशन है यानी नॉट पासिंग द ओरिजन, ये कब रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ ए लाइन, जब उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आता है, या ये जो फॉर्मूला है ट्रिक बताया था मैंने आपको, इसकी वैल्यू जीरो आता है तब वो लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ ए लाइन करके। तो क्वेश्चन क्या है, उसने शो बोला है, देखो स्टार्टिंग में शो दैट ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ ए लाइन करके। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डी की वैल्यू जीरो लाना पड़ेगा या वो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले की वैल्यू जीरो आती है तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ ए लाइन करके। अब वहां पर डी में वैल्यू क्या है, देखो ये अपना डिटरमिनेंट है, इसमें वैल्यू क्या है ए बी सी एच जी एफ एच जी एफ, और ये फॉर्मूला भी देखते थे यहाँ पर ए बी सी और एच जी एफ है। तो ये जो अपने पास कंबाइन इक्वेशन है नॉट पासिंग द ओरिजन, वहां से अपने को ए बी सी और एच जी एफ की वैल्यू निकालना है, डिटरमिनेंट में रखो या फॉर्मूला में वैल्यू जीरो आता है तो रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ ए लाइन से। तो मैं सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख रहा हूँ, इक्वेशन कंबाइन वाला ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइनटीन टाइम वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू द जीरो करके। ठीक है, यहाँ से अपने क्या निकालना है ए बी सी एच जी या, तो दिया हुआ इक्वेशन जनरल है तो जनरल में कंपेयरिंग करेंगे। सो द बाय कंपेयरिंग कंपेयरिंग करते हैं तो जनरल इक्वेशन क्या अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये जनरल है। दोनों में कंपेयरिंग करेंगे ए ट्वाइस एच बी ट्वाइस जी ट्वाइस एफ और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं और वहां से ए बी सी भी निकालेंगे। देखो टू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, तो x square का क्वेश्चन कितना है a और यहाँ पर 2, इसलिए a की वैल्यू 2 बनेगा। ठीक है, xy का और xy xy का क्वेश्चन कितना है twice h और इधर कितना है माइनस, इसलिए twice h की वैल्यू माइनस 1। ठीक है, तो h की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाय द 2 करके। ठीक है, इतना माइनस 1 बाय 2 करके। अब प्लस by square तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 3, तो b की वैल्यू कितना हो गया माइनस 3। ये पहले भी किए थे जहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में था, बस यहाँ पर g की वैल्यू, तो जो x का कोएफिशिएंट है और यहाँ पर x, तो x का कोएफिशिएंट ट्वाइस g, x का कोएफिशिएंट माइनस 6, इसलिए g की वैल्यू नहीं ट्वाइस g की वैल्यू रहेगा विल बी द माइनस 6 करके। ठीक है, यहाँ से g निकालते हैं तो ये आपका माइनस 6 है, इस साइड में डिवाइड बाय 2 आएगा, 6 बाय द 2 कितना हो जाएगा 3 बनेगा। y twice f y f y twice f y, तो y का क्वेश्चन जो होता है वो twice f की वैल्यू, तो y का क्वेश्चन कितना है इसमें twice f, तो इधर लिख रहा हूँ मैं नीचे, तो twice f की वैल्यू कितना हो जाएगा twice f इक्वल टू y का क्वेश्चन कितना है इसमें 19, तो जाएगा 19, सो देयर फॉर द f इक्वल टू कितना बनेगा 19 डिवाइड बाय द 2 बनेगा। और बचता है c, तो प्लस c कॉन्स्टेंट टर्म, तो c इक्वल टू देखो यहाँ पर प्लस साइन होगा, कौन साइन है माइनस, इसलिए हो जाए c विल बी द माइनस 20 करके। तो a की वैल्यू 2, h की वैल्यू माइनस 1 बाई 2, b की वैल्यू माइनस 3, g की वैल्यू कितना आ गया माइनस 3, f की वैल्यू कितना आ गया 19 डिवाइड बाई 2, ये f की वैल्यू, और c की वैल्यू कितना माइनस 20। अब करना है क्या है, तो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है पेयर ऑफ ए लाइन, तो ये वैल्यू रखना पड़ेगा डिटरमिनेंट में। तो मेरे ख्याल से डिटरमिनेंट से अच्छा वो फॉर्मूला होता है, तो वो वैल्यू फॉर्मूला में रख देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सो देयर फॉर द नाउ, या कंसीडर भी कर सकते हैं आप उसको, सो देयर फॉर विल बी द कंसीडर हाँ फॉर्मूला क्या बताया था, ए बी सी की वैल्यू अपने पास और एच जी एफ, तो ए बी सी का मल्टीपल लेना, ए बी सी प्लस टू टाइम द एच जी एफ लिखना, टू टाइम द एच जी एफ, उसके बाद माइनस ए माइनस बी और माइनस सी इक्वल टू जीरो लाना है अपने को, तो वैल्यू में इधर पुट कर लो। इसमें साथ कुछ मल्टीपल करना था एफ जी एच, तो पहले एफ स्क्वायर उसके बाद जी स्क्वायर और लास्ट में रहेगा एच स्क्वायर, ये वैल्यू इक्वल टू कितना आना चाहिए जीरो आना चाहिए, इक्वल टू जीरो रखना नहीं है क्योंकि शो करना है नहीं ऑलरेडी करना है, तो ये इक्वल का सिंबल मैं इस साइड में दे रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो वैल्यू जीरो आना चाहिए। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू आई थी अपने पास टू इंटू इधर से
बी की वैल्यू कितना -3 और सी की वैल्यू कितना -20, तो ये हो जाएगा -3 और इनटू द -20 एबीसी हो गया प्लस 2 टाइम द एच, एक बार इस साइड में वैल्यू आ जाएगा, एच की वैल्यू कितना आ गया -1/2, ये हो जाएगा ए की वैल्यू एच की वैल्यू सॉरी -1/2, उसके बाद जी होना अपने को, तो जी की वैल्यू कितना आ गया, जी की वैल्यू आ गया -3 मल्टीजा, और एफ तो एफ की वैल्यू कितना आ गया 19 डिवाइड बाय द 2, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ तक हो गया पुट अप करके। उसके बाद अब पूरे वैल्यू इस साइड में हो गया तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, फिर से ये माइनस हाँ ए की वैल्यू यहाँ से पता जाएगा 2 इंटू एफ की वैल्यू कितना हो जाएंगे यहाँ से 19 डिवाइड बाय द 2, तो 19 डिवाइड बाय 2 इट द स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितना है अपने पास -3, तो ये माइनस ये पहले का माइनस ये -3 इंटू जी, तो जी की वैल्यू कितना है अपने पास -3 इट द स्क्वायर जी स्क्वायर है ना माइनस सी की वैल्यू कितना अपने पास विल बी द -20 मल्टीजा और एच, तो एच की वैल्यू कितना आ गया अपने पास विल बी द, तो एच की वैल्यू आ गया -1/2 इट द स्क्वायर करके, ठीक है, एच की वैल्यू कितना है अपने पास -1/2, सी की वैल्यू -20, जी की वैल्यू -2, एफ की वैल्यू 19 डिवाइड बाय द 2 करके, ओके। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और इक्वल टू कितना आना चाहिए 0 करके, तो ये वैल्यू पुट करके हो गया, ठीक है, बस कैलकुलेट करना है इसमें और इसका आंसर कितना आना चाहिए 0 करके, ठीक है। चलो स्टेप देख लो बराबर, कोई डाउट रहेगा तो बोल देना। सबसे पहले साइन देखो, ये पार्ट में इतना ले रहा हूँ मल्टीपल में, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है, इतना माइनस माइनस प्लस 2 × 3 = 6 इंटू द 20 यानी 6 × 2 = 12 और ये 0 यानी 120 हो गया इतना पार्ट। नेक्स्ट साइन विल बी द प्लस, ये वाला जो साइन वो पहले मैं दे रहा हूँ ऑलरेडी जैसे का वैसा, 2 numerator 2 denominator ये कैंसल। अब साइन देखो, यहाँ का माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ये एक पार्ट है, तो माइनस माइनस प्लस यानी यहाँ के पूरे माइनस साइन चले गए, ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 1 × 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 × 3 = 3 × 19 / 2 लिख रहा है इसको 3 × 19 / 2 करके, यहाँ तक आ गया, आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट साइन आपका माइनस, ये 2 × 90 का स्क्वायर होता है 361 / 2 और 2 का स्क्वायर कितना 4 करके, हाँ फिर से देखो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये वाला माइनस ये नहीं क्योंकि ये स्क्वायर में, माइनस माइनस प्लस ये 3 जैसे का वैसा और माइनस स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर कितना 9 करके, ठीक है इतना। फिर से ये माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा लेकिन ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस ये आपका 20 × 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4 करके, प्ले मैं ऐसे ले रहा हूँ एक साथ पूरे स्टेप नहीं ले रहा हूँ। वी गेट इक्वल टू द ये आपका 120 प्लस, ठीक है 19 × 3 तो 90 = 3 ये बनेगा विल बी द 37 यानी 57 बनेगा डिवाइड बाय द 2 माइनस, यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 हो गया, तो ये रहेगा 361 न्यूमरेटर में डिवाइड बाय द 2 प्लस 3 × 9 = 27 और फिर से इसमें डिवाइड 4 × 1 = 4 और 4 × 5 कितना हो गया 20, तो यहाँ पर लास्ट में कितना बचा 5 करके, ठीक है। स्टैंडर्ड पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट को अलग ले रहा हूँ, ये आपका 120 × 27 प्लस 5 ये स्टैंडर्ड पार्ट है ना, ये दिन को एक साथ ऐड कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 27 + 5 विल बी द 32 करके, और इन दोनों में ये इस दोनों में बाजू में लिख रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में लेता हूँ 57 / 2 -361 / 2 करके, दोनों का ऐड करता हूँ इन दोनों में एलसीएम उठा लेता हूँ, तो 1 × 3 = 1 + 2 = 0 और 35 तो 2 × 2 = 2 2 × 3 + 2 कितना हो गया 5 और 1 ये कितना हो गया 152 करके। इसमें मैं पहले साइन ये प्लस दे रहा हूँ और 2 फ्रैक्शन पार्ट है 2 2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 2 आएगा, तो न्यूमरेटर एज इट इज 57 - 361 करके वी गेट 152 प्लस साइन दे रहा हूँ पहले, ये आपका डिनोमिनेटर का 2 अब यहाँ से माइनस, तो 361 में से 57 को मेरे को माइनस करना है, तो 17 नहीं रिड्यूस होता तो 11 लेना पड़ेगा, तो 11 में से 7 रिड्यूस हो गए तो 4
एक लिया था, एक रिटर्न कर रहा हूँ, छः में से छः चला गया तो 5 प्लस 1 कितना 0, तो ये हो जाएगा सॉरी 5 प्लस 1 6 हो गया, 6 माइनस 6 कितना हो गया 0, और ये आपका 3 तो कितना बचेगा 304। लेकिन ग्रेटर को साइन कौन सा है, माइनस, इसलिए यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, माइनस करके वी गेट 152 प्लस इंटू माइनस माइनस, और 304 से 2 से डिवाइड तो 3 इंटू सा 1 1 3 इंटू सा 1 सॉरी 2 इंटू सा 1 2 हो गया, और ये आपका 0, और ये रहेगा सॉरी एक मिनट, 3 इंटू सा 1 2 हो गया, एक बचा है 10 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 2 इंटू सा 5 10, और फिर ये 2 तो 152, तो ये रहेगा 152। ये पॉजिटिव या नेगेटिव कैंसिल कितना आ गया, 0 आ गया। तो मैंने पहले बोला था कि ये आंसर कितना आना चाहिए, 0। सो देयर फोर विल बी द किसके वैल्यू 0 आ गया, ए बी सी प्लस ट्वाइस एच जी एफ माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। सो देयर फॉर दिस अपना लाइन था, सो द गिवन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय पेयर ऑफ ए लाइन, पेयर ऑफ लाइन करके, ठीक है। तो बस ये पार्ट अपने को प्रूव करना था कि दिया हुआ जो लाइन है अपने पास ये वाला, ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ ए लाइन करके, कब, जब डी की वैल्यू 0 या ये फॉर्मूले की वैल्यू कितना आता है, 0। तो इस फॉर्मूले में से रखना, कैलकुलेशन सिंपल बनता है, डिटरमिनेंट में कैलकुलेशन थोड़ा हार्डली हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बेस पर और एक क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते पहले, शो दैट द इक्वेशन 2x square plus xy minus y square plus x plus 4y minus 3 equal to 0 represent a pair of a line, इसके जैसा फॉर्मूले की वैल्यू 0 लाना है। आगे क्या बोल रहा है, also find the acute angle, acute angle यानी थीटा निकालना है यहाँ पर सेकंड, और between them also find the point of the intersection, and third step is में point of the intersection। एक ही क्वेश्चन में सबसे पहले शो करना है ये पेयर ऑफ ए लाइन ही करके, दूसरा एक्यूट एंगल निकालने, और तीसरा पॉइंट ऑफ विल बी द इंटरसेक्शन। तो पहले अपन एक एक पार्ट लेते हैं, पहले लाइन को शो कर लेते हैं दैट द लाइन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ ए लाइन करके, एक्यूट एंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाद में निकालते हैं। उसके लिए अपने पास गिवन क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो गिवन इक्वेशन ऑफ ए लाइन है ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू द 0। इसके पहले का क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ये देख लो, इससे पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वैल्यू होना ए बी सी एच जी एफ, दिया हुआ इक्वेशन कंपेयरिंग कर लेता हूँ, बाय कंपेयरिंग x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जनरल इक्वेशन है, जनरल लिख दिया। अब यहाँ से ए बी सी और एच जी एफ के वैल्यू निकालते हैं, एक्स स्क्वायर का जो ऑप्शन रहेगा वो ए की वैल्यू, तो इसमें एक स्क्वायर का ऑप्शन है ए, और यहाँ पर कितना है 2, तो ए की वैल्यू हो जाएगा आपका विल बी द 2 करके। एक्स वाई का ऑप्शन कितना है यहाँ पर ट्वाइस एच, एक्स वाई का कितना है 1, तो एक्स वाई का ऑप्शन है ट्वाइस एच, तो ट्वाइस एच का वैल्यू 1 बनेगा, प्लस वाला देखो 1 है, लेकिन वैल्यू एच क्यों ना, तो एच कितना हो जाएगा विल बी द 1 डिवाइड बाय द 2 करके। बी वाई स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर, तो बी का क्वेश्चन कितना है इसमें, बी वाई स्क्वायर का बी, तो वाई स्क्वायर कितना है माइनस 1, इसलिए बी की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो ट्वाइस जी की वैल्यू, तो ट्वाइस जी इक्वल टू द एक्स का क्वेश्चन कितना है 1, तो यहाँ से जी निकालते तो जी कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय द 2, 2 को इस साइड में से। y का जितना कोएफिशिएंट है वो ट्वाइस f की वैल्यू, तो y का ऑप्शन कितना है 4, तो ये ट्वाइस f की वैल्यू 4 बनेगा, तो f इक्वल टू 4 बाई 2 यानी 2 बनेगा। और जो कांस्टेंट रहेगा वो c की वैल्यू, कांस्टेंट कितना है प्लस नहीं माइनस 3 है, इसलिए c की वैल्यू कितना रहेगा माइनस 3 करके, ठीक है। तो देखो a की वैल्यू 2, h की वैल्यू माइनस 1 बाई 2, बी की वैल्यू माइनस 1, जी की वैल्यू 1 बाई 2, ट्वाइस एफ मिला था 4, एफ आ गया 2, और सी कितना हो गया माइनस 3। ये लास्ट टॉपिक में इतना आना चाहिए आपको, ए बी सी और एच जी एफ के वैल्यू निकालते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले शो करना है कि ये लाइन रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ ए लाइन करके, तो फॉर्मूले की वैल्यू या डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना आना चाहिए, 0। मैं फॉर्मूला ले रहा हूँ, तो फॉर्मूला क्या था, सिंपल फॉर्मेट्स बताता हूँ, ए बी सी प्लस ट्वाइस या जी एफ, उसके बाद माइनस ए माइनस बी माइनस सी, अल्फाबेटिकल के हिसाब से पहले एफ, उसके बाद जी और बाद में एच आएगा, तो इसमें मल्टीपल करना
एफ स्क्वायर जी स्क्वायर और द एच स्क्वायर, ये वैल्यू मैं इधर पुट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से देखकर ही वैल्यू पुट करना है। तो देखो ए की वैल्यू कितना आया था, मैं यहाँ से पहले पढ़ रहा हूँ, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -3, इन तीनों का मल्टीपल। तो ए की वैल्यू हो गया 2, बी हो गया कितना हो गया आपका -1 और सी की वैल्यू हो गया विल बी द -3 करके, यहाँ तक अच्छा वैल्यू हो गया। नेक्स्ट साइन आपका विल बी द प्लस, ये 2। एच की वैल्यू देख लेते हैं, एच की वैल्यू 1/2, जी की वैल्यू 1/2 और एफ की वैल्यू कितना है 2। तो एच की वैल्यू 1/2, जी की वैल्यू भी 1/2 और एफ की वैल्यू कितना आ गया 2, यहाँ तो हो गया। नेक्स्ट साइन माइनस, ठीक है, ए एफ स्क्वायर, तो ए की वैल्यू फिर से कितना हो जाएगा 2, यहाँ से ना उधर से देख कर लिख लेना, एफ स्क्वायर, एफ की वैल्यू कितना हो जाएंगे यहाँ से, एफ की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो गया। नेक्स्ट साइन द माइनस, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितना बनेगा -1 इंटू द जी स्क्वायर, जी की वैल्यू कितना आ गया 1/2 होल स्क्वायर माइनस सी, तो सी की वैल्यू कितना है आपके पास -3 इंटू द एच, एच की वैल्यू कितना आ गया 1/2 इट द स्क्वायर। सो कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू कितना चाहिए 0 करके, ठीक है, आगे लेते हैं। बस अब कैलकुलेट करना है, माइनस पहले देखो 3, ये एक दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा और पांचवा, क्योंकि फॉर्मूले में 5 टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। प्लस माइनस 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 प्लस और ये प्लस, तो प्लस, तो 2 × 1 × 2 × 3 कितना हो गया 6, ठीक है। सो दिस विल बी द प्लस, यहाँ से देखो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, मल्टीपल में छः और ये 2 इसके साथ, कितना बच गया यहाँ पर 1 तो बच गया, ठीक है। नेक्स्ट साइन द माइनस 2 × ये आपका 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। नेक्स्ट साइन द ये देखो माइनस माइनस प्लस और ये 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4। माइनस माइनस प्लस ये आपका 3, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4 करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 6 + 1 कितना 7 माइनस 2 × 4 कितना हो गया 8। नेक्स्ट साइन द प्लस 1 × 1/4 1/4 और ये कितना हो जाएगा 3/4 करके, ठीक है। 7 - 8 कितना हो जाएगा -1 प्लस, अब ये फ्रैक्शन पार्ट है, इसको कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम कितना आएगा 4, दोनों का डिनोमिनेटर से मैं ऐड ऑफ डिनोमिनेटर 1 + 3 करके, तो हो जाएगा -1 प्लस 1 + 3 कितना हो गया 4/4 कैंसल, तो इक्वल टू -1 + 1 ये भी कैंसल, इक्वल टू कितना 0। इसका मीनिंग ए बी सी प्लस ट्वाइस या जी एफ माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 0। सो दे आर फोर लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ लाइन। सो दे आर फोर गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट बाय पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन करके, ठीक है। एक पार्ट हो गया अपना, पहला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था अपने पास, दूसरा क्वेश्चन था आल्सो फाइंड द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बोलते थे क्या निकालना है अपने को, थीटा निकालना है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, थीटा इक्वल टू द क्वेश्चन मार्क करके, एंड थीटा की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। अब थीटा निकालने के लिए क्या है अपने पास, ए बी सी तो होना, और ऑलरेडी अपने पास वैल्यू है ए बी सी का, तो बस डायरेक्टली फॉर्मूला रख देते हो और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको थीटा मिल जाएगा। तो थीटा का फॉर्मूला क्या है, सो देयरफॉर टैन थीटा इक्वल टू मोड ऑफ ए 2 × √ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय द ए प्लस बी करके, ठीक है। सो द टैन ऑफ ए थीटा इक्वल टू मोड ऑफ ए, ये क्वेश्चन अपने सॉल्व किए थे पहले सेपरेटली, एच ए बी की वैल्यू ना यहाँ से देख लेते हैं, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -1, एच की वैल्यू 1/2, ठीक है, रख रहा हूँ। सो दिस द 2 × √ एच की वैल्यू आ गया 1/2 स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू कितना -1 डिवाइड बाय ए प्लस बी, ए की वैल्यू फिर से कितना 2 प्लस और बी की वैल्यू कितना -1 करके आगे बढ़ रहा हूँ। सो दिस द टैन ऑफ ए थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए 2 × √ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 × 1 2 डिवाइड बाय द 2 और प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो गया आपका 1 करके। तो टैन ऑफ ए थीटा इक्वल टू बनेगा, सो द 2 × यहाँ से डायरेक्टली रूट नहीं है, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएंगे एलसीएम 4, आपका 1, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाय द 2 - 1 1 बनेगा। सो द टैन ऑफ ए थीटा इक्वल टू द 2
वन प्लस एट नाइन, रूट में छः, डिवाइड बाय फोर, डिवाइड बाय द वन, अब वन को छोड़ दे तो भी चल जाएगा। सो देयरफॉर द टेन ऑफ ए थीटा इक्वल टू टू इंटू नाइन का रूट थ्री और फोर का रूट कितना होता है टू, डिवाइड बाय वन तो वही हो जाएगा, टू टू कैंसल, तो टेन ऑफ ए थीटा इक्वल टू द मॉड ऑफ ए थ्री बचेगा, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और अपने को थीटास निकालना है, तो अपना थीटा क्या बनेगा, सो द थीटा इक्वल टू टेन को उस साइड में ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स द थ्री करके, ये हो गया आपका थीटा करके, ठीक है। दूसरा हो गया क्वेश्चन, कभी कभी बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन इतना ही आता है एक्यूट एंगल्स निकालने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही से एक क्वेश्चन फाइंड करना, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ विल बी द इंटरसेक्शन, क्या निकालना है इसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन रहेगा अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूं मैं यहां पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करके, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी पी ऑफ द एक्स कॉमा वाई इक्वल टू पी ऑफ द, देखो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था और थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है इसका, बराबर है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्या बताया था मैंने, एच स्क्वायर माइनस ए बी, नहीं नहीं सॉरी गलत हो गया, ए बी माइनस एच स्क्वायर है, देख लो फॉर्मूला, ये देखो ए बी माइनस एच स्क्वायर है, ठीक है, तो हो जाएगा ए बी माइनस एच स्क्वायर और ये भी रहेगा ए बी माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, दोनों में डिनोमेटर सेम है पॉइंट में। अब उसके बाद क्या बताया था न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में कितना था एच एफ माइनस बी जी, फर्स्ट में एच एफ माइनस बी जी और सेकंड का न्यूमरेटर क्या बताया था रे, जी एच माइनस, जी एच माइनस ए एफ करके, बराबर है ए एफ करके, ये आपका फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूला में वैल्यू रखना है अपने को, सो द पी ऑफ विल बी द ए एच बी जी की वैल्यू देखकर स्पीड अप करना है, अपने पास ऑलरेडी वैल्यू है, वैल्यू क्या होना अपने को एच के, पिच पलटाना पड़ रहा है, इक्वेशन है अपने पास ये वाला, देखो यहां से सर एच के वैल्यू कितना वन बाय टू इंटू एफ है इंटू द एफ है और एफ की वैल्यू कितना है, यहां से एफ की वैल्यू टू आ गया, यहाँ पर टू रख रहा हूँ, माइनस बी, बी की वैल्यू कितना है अपने पास माइनस वन, हो जाएगा आपका माइनस वन, ठीक है, इंटू द जी, जी के लिए कितना अपने पास वन बाई टू, ये हो गया वन बाई टू डिवाइड बाय द ए बी माइनस एच स्क्वायर, फिर से ए की वैल्यू कितना टू, बी की वैल्यू कितना माइनस वन, तो ए बी यानी टू इंटू माइनस वन माइनस एच, एच की वैल्यू कितना है वन बाय टू स्क्वायर, ये रहेगा वन डिवाइड बाय टू स्क्वायर, ये पहला कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का वैल्यू, अब y कोऑर्डिनेट जी एच होना तो g की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं अपन आइडेंटिफाई, बी जी तो g की वैल्यू कितना रहेगा वन बाई टू, एच यानी फर्स्ट वैल्यू ये भी कितना रहेगा वन बाई टू माइनस, यहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं, देखो g की वैल्यू वन बाई टू, एच की वैल्यू वन बाई टू, ठीक है। बाद में है ए एफ, तो a की वैल्यू इसमें पुट अप किए थे तो ये हो जाएगा टू और f की वैल्यू एच एफ तो ये भी रहेगा विल बी द टू डिवाइड बाय, इसका डिनोमिनेटर सेम मस्त है टू इंटू द माइनस वन माइनस वन डिवाइड बाय टू इट द स्क्वायर करके कैलकुलेट कर लेते इसको, जो भी रहेगा अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पी ऑफ विल बी द यहाँ से टू और टू कैंसिल हो जाएगा तो ये वन माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और वन इंटू वन बाई टू वन बाय टू डिवाइड बाई डिनोमिनेटर टू इंटू माइनस वन माइनस टू ये आपका माइनस वन का स्क्वायर वन और टू का स्क्वायर कितना फोर, सेकंड वन इंटू वन वन टू इंटू टू कितना हो गया फोर क्योंकि मल्टीपल है, माइनस टू इंटू टू कितना हो गया फोर डिवाइड बाय द टू इंटू माइनस वन माइनस टू ये तो सेम आएगा माइनस वन डिवाइड बाय द फोर करके वी गेट इक्वल टू द पी ऑफ द यानी कोई भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं वन प्लस वन बाई टू वन प्लस हाफ कितना हो गया डेढ़ डेढ़ यानी थ्री बाय टू डिवाइड बाय इन दोनों में एलसीएम दो एलसीएम ले रहा हूँ फोर फोर इंटू द माइनस टू कितना हो जाएगा माइनस एट और ये रहेगा माइनस वन करके डिनोमीटर सेम है यहाँ पर भी एलसीएम कितना आएगा फोर कट हो रहा है लेकिन बाद में कर दें ये भी एलसीएम कितना हो जाएगा फोर करके तो ये हो जाएगा वन माइनस फोर इंटू फोर कितना हो गया सिक्सटीन और यहाँ पर तो ये सेम अच रहेगा ना एलसीएम कितना आ गया इसमें फोर आ गया एलसीएम हो गया आपका फोर तो ये रहेगा माइनस एट और ये रहेगा माइनस वन करके वी गेट इक्वल टू द पी ऑफ विल बी द अब देखो यहाँ से टू टू कैंसिल कर दिया अपन ने तो
3 डिवाइड बाय 2 से लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय ये हो जाएगा माइनस 9 डिवाइड बाय द 4 कॉमा 1 माइनस 16 माइनस 15 डिवाइड बाय द 4 डिवाइड बाय द ये माइनस 9 डिवाइड बाय द 4 करके। अब ये वाला पार्ट और ये पार्ट ए बी सी डी का फॉर्मेट है, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू सा 1 2 हो गया, 2 इंटू सा 2 4, ये 4 4 तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया, ठीक है। सो देयर फॉर द पी ऑफ विल बी द कोऑर्डिनेट, देखो यहाँ पर कितना बचा 3, यहाँ पर ये आपका माइनस साइन है माइनस 9, वैसे कैंसिल हो रहा है बाद में करो, ये ग्रेटर लाइन है डिवाइड बाय द 2, आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए ऐसा ले रहा हूँ, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 15 डिवाइड बाय द डिनोमेटर 9 करके। अब स्टेप नहीं बढ़ाता हूँ, सो दिस विल बी द पी ऑफ विल बी द, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस साइन आगे दे रहा हूँ, ये माइनस, ये ग्रेटर लाइन है इसलिए ये कैंसिल हो रहे हैं, तो 3 इंटू सा 1 3 और 3 इंटू सा 3 कितना हो गया 9। अब ए सी डी का प्लेसमेंट है, ये 2 आएगा न्यूमरेटर में मल्टीपल, तो 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाय द डिनोमेटर 3 रहेगा 15 और 6 9 में डिवाइड हो रहा है कितने का 3 का, 3 इंटू सा 3 3 और 3 इंटू सा 5 15 तो ये रहेगा 5 डिवाइड बाय द 3, तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। तो वैसे वहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट में, सो देयर फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, सो दिस विल बी द माइनस 2 डिवाइड बाय 3 और 5 डिवाइड बाय द 3 करके, ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। तो इसके रिलेशन में मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन बोर्ड में आया था 16 में, ठीक है। सो द आपका होमवर्क है, ये मार्च 16 में आया था बोर्ड में, 4 मार्क ले आया था, लेकिन शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5, ये 5 है, 5y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 14y प्लस 9 है ये वाला इक्वल टू 0, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ ए लाइन्स, ठीक है, फाइंडिंग द एक्यूट एंगल एंड थीटा निकालना बिटवीन देम, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन, यानी जो मैंने ये सॉल्व करके दिया इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो आंसर देखो, सबसे पहले इक्वेशन लेना, यहाँ से वैल्यू में बता रहा हूँ, ए की वैल्यू 1 आएगा, ट्वाइस एच की वैल्यू माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3 करके, सorry, 6 आएगा, माइनस 3 बनेगा एच, बी की वैल्यू 5, ट्वाइस जी की वैल्यू 10, तो जी 5 बनेगा, ट्वाइस एफ की वैल्यू माइनस 40, तो एफ माइनस 7 बनेगा और सी 9 करके। तो रिप्रेजेंट पेयर ऑफ ए लाइन, तो वो वैल्यू कितना लाना है 0, पहला पार्ट हो जाएगा यहाँ तक। फाइंडिंग द एक्यूट एंगल बिटवीन देम, एक्यूट एंगल बोलते हैं थीटा, तो आपका थीटा का आंसर आ जाएगा विल बी द टैन इनवर्स 2 डिवाइड बाय द 3 करके, ठीक है। और आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन, और पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन आएगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा आपका 1,2 करके, ये एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आज के डेट में इतना ही करते हैं, इसके बेस पर क्वेश्चन है मैं बचा कर रख रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, एक वीडियो में देखते तो डाउटफुल रहेगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ओके।